नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीएचयू से 3 इयर्स एलएलबी करना है तो उसका सिलेबस क्या है, उसका कोड क्या है 2023 के लिए, क्योंकि कोड जो है 2022 से चेंज हो चुका है। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, हर एक पॉइंट्स को समझें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस एक वीडियो से आप पूरा एलएलबी 3 इयर्स की तैयारी करने वाले हो। फॉलो वीडियोज आएंगे, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट ये वीडियो इसलिए देखना है जिससे पता चल जाए कि एक्चुअली बीएचयू से 3 ईयर एलएलबी करने के लिए क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। ठीक है, बीएचयू में अगर हम लोग लॉ की बात करें तो यहाँ की लॉ फैकल्टी 2 कोर्स कराती है, 5 ईयर्स एलएलबी जिसको हम लोग ब्लैट या बीए एलएलबी कहते हैं, और 3 ईयर्स एलएलबी मतलब जिसको हम लोग यूजी के बाद करते हैं। ध्यान देना, जो बीए एलएलबी होता है 5 ईयर्स वाला, वो जस्ट 12वीं के बाद होता है। ठीक है, उसको एज ए यूजी कोर्स रिकमेंड किया जाता है, लेकिन जो 3 इयर्स एलएलबी होता है वो यूजी के बाद तो करते हैं, उसको भी यूजी ही मानते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपको पता ही होगा कि इसका पीजी कोर्स भी आता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एलएलबी को समझेंगे, 3 इयर्स एलएलबी को और इसके ऑफिशियल सिलेबस को। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम लोग आते हैं सीधे सिलेबस पे। आपको पता होना चाहिए कि एलएलबी का अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोड है और अलग अलग कोर्स भी है। ये वीडियो बस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो यहाँ पे आके पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस बाकी जगह के एलएलबी कोर्सेज से डिफरेंट है। समझ गए, यहाँ पे जो इनका रिकमेंडेड सिलेबस है उनमें बस 100 क्वेश्चन आएंगे और ये पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप जाते हो तो वहां पर देखोगे कि पार्ट ए और पार्ट बी है, जिसमें से यहां पे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहां पे आपके 25 क्वेश्चंस, यहां पे 75 क्वेश्चंस। प्लीज थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना, मेरी जुबान फिसल गई। पार्ट ए यहां पे आएगा, पार्ट बी आएगा, लेकिन ये बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए रिकमेंडेड है। जैसे कि आप अगर डीयू में जाओगे तो आई थिंक ये रिकमेंडेड है वहां पे, और कहीं जाओगे आईएमसी जाओगे या जेएमआई जाओगे तो ये रिकमेंडेड है। तो इसमें ये तो ईजी है, लेकिन ये हार्ड है। चूंकि मैं ड्यू का वीडियो नहीं बना रहा हूं, बीएचयू बना रहा हूं, तो लोग बीएचयू फोकस करते हैं, मैं यहां पे बस आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपका बीएचयू से एलएलबी करने के लिए जो रिकमेंडेड सिलेबस है वो है ये 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, 100 क्वेश्चंस में लैंग्वेज के आपके क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 25, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे। ध्यान देना, यहां पर आपके हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश दोनों आएंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज आएगा, अपने आप में बहुत बड़ा है, फॉलोअप वीडियोस कवर कीजिएगा। मैं जनरल नॉलेज कहाँ से कैसे पढ़ना है इसका एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो मास्टर वीडियो है, चाहे यूजी बच्चों चाहे पीजी बच्चों, जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करनी है सब कुछ मैंने डाल दिया है। चूंकि जनरल नॉलेज जो है वो आपके कमिंग पर डे में होने वाले जो इवेंट्स हैं वो सब है, और पास्ट में जो चीज़ें एज अ हिस्ट्री एज अ ज्योग्राफी एज अ पॉलिटी में चीज़ें हो चुकी हैं वो भी आपका जनरल नॉलेज में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चन आपसे आएंगे और लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ है भाई। लॉजिकल रीजनिंग मतलब उसमें बेसिक्स मैथ रीजनिंग ये सब यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मैं और करेक्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा प्लीज इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि देखो इन्होंने ना अपना ब्रोचर तो दे दिया 800 पेज का, काफी ज्यादा लेंदी है, पल्ले पढ़ नहीं रहा उतना पढ़ने में, और जब इनका सिलेबस ओपन करो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो cutnda.nic.in है तो वहां पे नॉट फाउंड लिख रहा है। ये तो मैं पुराने साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, चूंकि इन्होंने पहले से लिख दिया है कि 100 क्वेश्चंस ही आएंगे। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि ये 30-30 के सेक्शन में भी डिवाइड हो सकता है। ध्यान देना, इसका फॉलो वीडियो प्लीज फॉलो कर लेना, कुछ दिनों में आएगा। अभी आप बस इतना ध्यान दो कि इस कोड से अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लॉ का ये जो कोड है इस कोड से अपना फॉर्म भर सकते हो, लेकिन सिलेबस के लिए देखो लैंग्वेज और जीके की पढ़ाई शुरू कर दो। बेसिक्स मेरे यहाँ कोर्स अवेलेबल भी है, जीके जीएस पढ़ना शुरू कर दो, मेरे यहाँ पूरा कोर्स अवेलेबल है इसका। बस इसमें पैटर्न में चेंजेस हो सकता है, लाइक क्या कि ये जो मैं 25 बता रहा हूं ये हो सकता है कि 30-30 में सेक्शन में डिवाइड हो जाए, ऐसा मे भी हो बट श्योर नहीं हो। सो प्लीज ध्यान देना, इन सभी के लिए बीएचयू पाठशाला पे कोर्स स्टार्ट है, आप चाहो तो कोर्स ज्वाइन करो। ठीक है, जिससे कि आपको कम से कम एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। ठीक है, मेरे यहां अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तो मेरे भी कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे सर मुझे लीगल चाहिए, जबकि लीगल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो किसी और यूनिवर्सिटी को एम करके ले रहे हैं तो हम लीगल भी दे देंगे सेम प्राइस में। बाकी इन सभी के लिए हमारे यहाँ पूरा सेक्शन अवेलेबल है, आप उसको लेकर अपने स्टार्ट कर सकते हो। तो मुस्कुराते रहे, बीएचयू पाठशाला देखते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। इसका डीप अगर सिलेबस चाहिए मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कम से कम वो आधे से 45 मिनट का वीडियो होगा, और उसके लिए आप कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। ठीक है, और जो ज्वाइन करेंगे उनको तो मिल ही जाएगा। ओके, हर महादेव। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हर महादेव।